हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अखिलेश गुप्ता, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे फीमर बोन के बारे में। तो इसमें आज हम बात करेंगे इसके स्पेशल फीचर के बारे में, यानी इसमें खास बात क्या है, इसकी कैटेगरी के बारे में, इसके टोटल नंबर के बारे में, इसके लोकेशन के बारे में, डिवीजन के बारे में और साइड आइडेंटिफिकेशन, यानी कैसे डिसाइड करेंगे कि ये कौन से साइड की बोन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्पेशल फीचर के बारे में। तो इसमें एक खास बात होती है कि ये सबसे लंबी और सबसे मजबूत बोन होती है हमारे शरीर की। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कैटेगरी के बारे में, जो कि ये लॉन्ग बोन की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके टोटल नंबर के बारे में, तो ये टोटल 2 in number होती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके लोकेशन के बारे में, तो ये हमारे थाई रीजन में पाई जाती है। तो इसको देखने के लिए आइए हम अपने इस स्केलेटन में देखते हैं, ज़्यादा सही से समझ में आएगा। ये देखिए, ये है हमारी फीमर बोन, ये देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे हिप जॉइंट और नी जॉइंट के बीच में पाई जाती है, इसको हम कहते हैं थाई रीजन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके डिवीजन के बारे में। तो ये 3 parts में डिवाइडेड होती है, अपर एंड, शेफ्ट एंड लोअर एंड। तो एक एक करके हम इसके डिवीजन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अपर एंड के बारे में। तो इसके अपर एंड में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि आपका हेड, नेक, 2 trochanter, उन दोनों के बीच में इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। तो एक एक करके हम जानते हैं। तो ये है हमारा हेड, जो कि राउंडेड इन शेप होता है, और ये हमारा ऊपर और अंदर की तरफ डायरेक्टेड होता है, यानी कि ऑब्लिक। और ये हमारा आपका जो हिप बोन है, उसमें जो एसिटाबुलम होता है उसके साथ मिलके ये हिप जॉइंट बनाता है। तो जैसा कि हम और आप जानते हैं कि हिप जॉइंट एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो उसमें जो बॉल वाला पार्ट है वो आपका ये हेड ऑफ फीमर बनाता है। अब एक और बात कि हेड के सेंटर में आप देखेंगे तो एक छोटा सा गड्ढा दिखेगा, एक छोटा सा गड्ढा दिखेगा, जिसे हम कहते हैं फोविया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां आपका लिगामेंटम टीरिस नाम का एक लिगामेंट है, जो कि यहां आके अटैच होता है, और ये आपके हिप बोन को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे कि ये आसानी से डिसलोकेट नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके नेक के बारे में। तो अगर नेक जो है इसका, तो नेक इसकी लंबाई होती है लगभग 4 centimeters, और ये हेड और शेफ्ट को जोड़ता है, वो भी एक 127 degrees के एंगल पर। अब बात करेंगे इसमें 2 border और 2 surface होते हैं, और जो बॉर्डर और सरफेस के नाम है वो लोकेशन के हिसाब से हैं। जो बॉर्डर है उसमें अपर बॉर्डर और लोअर बॉर्डर, और सरफेस की बात करें तो एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें, जो बात की थी हमने, 2 trochanter होते हैं, ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर। तो जैसा कि आप साइज देख सकते हैं इसका, तो इसका जो नाम है वो इनके साइज के हिसाब से ही पड़ा है। जो बड़ा है उसका नाम ग्रेटर ट्रोकेंटर, और जो छोटा है वो लेसर ट्रोकेंटर। तो अब बात करते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर के बारे में। तो जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है, अगर आप देखेंगे तो ये हमारे नेक के ऊपर साइड पाया जाता है। नेक्स्ट, अब इसमें कुछ आपके बॉर्डर और सरफेस होते हैं, तो इसमें 1 border और 3 surface पाया जाता है। तो जो बॉर्डर है वो है अपर बॉर्डर, ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर की तरफ, और इसमें जो सरफेस हैं वो है एंटीरियर, अंदर की तरफ मीडियल एंड बाहर की तरफ लेटरल। और ये जो आप इसका टिप देख रहे हैं, ये जो नुकीला हिस्सा है, इसको कहते हैं एपेक्स, जिसका मतलब होता है चोटी पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेसर ट्रोकेंटर की। तो जो लेसर ट्रोकेंटर है वो आपका अंदर की तरफ और पीछे की तरफ पाया जाता है, जो कि आप अगर सामने से देखेंगे तो शायद आपको विजिबल नहीं होगा, इसके लिए हमको बोन को पीछे से देखना पड़ेगा। तो ये नेक के पीछे के साइड और हेड की तरफ, यानी कि अंदर की तरफ पाया जाता है ये छोटा सा प्रोजेक्शन, और ये कोनिकल इन शेप होता है, यानी हल्का सा नुकीला होता है, कोन शेप होता है ये। अब हम बात करेंगे
इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन की। तो जो इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन, जैसा कि नाम से क्लियर है, इंटर ट्रोकेंट्रिक यानी दो ट्रोकेंटर के बीच में, तो ये आपका जीटी से शुरू होता है और एलटी पे खत्म होता है। तो अगर आप देखेंगे तो जीटी और एलटी जो है वो एक प्लेन में नहीं है, तो इसी वजह से इस ये जो लाइन है ये स्पाइरल नुमा होती है, हल्की सी घुमा, स्ट्रेट नहीं होती, हल्की सी घुमावदार होती है, स्पाइरल नुमा होती है ये लाइन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट की, तो यानी कि दो ट्रोकेंटर के बीच में जो आप उभरा हुआ हिस्सा देख रहे हैं इसको कहते हैं इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट, और इस पे एक ट्यूबरकल पाया जाता है जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेट ट्यूबरकल। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब इसके शेफ्ट के बारे में, तो इसका जो शेफ्ट है वो सिलेंड्रिकल इन शेप होता है, और इसके जो मिड पार्ट को आप देखेंगे तो इसका जो मिड पार्ट है, इसके शाफ्ट के अपर पार्ट और शाफ्ट के जो लोअर पार्ट है उससे हल्का सा पतला होता है, नैरो होता है, और ये हल्का सा आगे की तरफ कॉन्वेक्स होता है। अगर आप देखें इसको, ये साइड से आप देखेंगे तो ये देखिए हल्की सी घूमी हुई है, हल्की सी टेढ़ी है ये, ठीक है, तो ये आगे की तरफ हल्का सा कॉन्वेक्स होता है। अब बात करेंगे इसमें बॉर्डर और सरफेस के बारे में, तो इसमें तीन बॉर्डर और तीन सरफेस पाए जाते हैं। तो जो आपके बॉर्डर हैं वो हैं आपके मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। अब बात करते हैं इसके सरफेस की, तो इसमें तीन सरफेस होते हैं, एंटीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस और लेटरल सरफेस, ये वाला लेटरल सरफेस, मीडियल सरफेस एंड एंटीरियर सरफेस। अब इसमें जो पोस्टीरियर बॉर्डर है उसका अपना एक नाम है जिसको हम कहते हैं लीनिया एस्परा, और ये नीचे जैसे जैसे ये नीचे जाता है तो ये दो भाग में बढ़ जाता है, मीडियल लिप एंड लेटरल लिप। मीडियल कॉन्डाइल पे जाके जो खत्म होता है उसको हम बोलते हैं मीडियल लिप, और जो लेटरल कॉन्डाइल पे खत्म हो रहा है इसको हम कहते हैं लेटरल लिप। ये पतली सी लाइन है, आप फील करेंगे तब आपको पता चलेगा, हो सकता है दिख ना रहा हो लेकिन आप टच करेंगे तो आपको पता चलेगा पतली सी लाइन है, तो ये इसकी दो लिप हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके लोअर एंड के बारे में, तो इसके लोअर एंड में जो खास बात होती वो है कॉन्डाइल इसके, जो कि आपके टीबिया के साथ मिलकर नी ज्वाइंट बनाता है, और इसमें दो कॉन्डाइल होते हैं, मीडियल कॉन्डाइल और लेटरल कॉन्डाइल। मीडियल कॉन्डाइल जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है यानी राउंडेड होता है और बड़ा होता है एज कम्पेयर टू लेटरल कॉन्डाइल, और ऐसा इसलिए वेट बियरिंग फिनोमिना यानी जो हमारा वेट है वो मीडियल कॉन्डाइल पर ज़्यादा आता है, इस वजह से मीडियल कॉन्डाइल बड़ा होता है। अब बात करते हैं लेटरल कॉन्डाइल की, तो लेटरल कॉन्डाइल जो होता है वो लगभग फ्लैट होता है, आप देख सकते हैं ये देखिए ये फ्लैट है इस तरह से, आप ये देखिए फ्लैट है, अगर आप मीडियल कॉन्डाइल से कंपेयर करें तो ये हल्का सा चपटा हुआ होता है और पीछे की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा निकला हुआ होता है। अब बात करते हैं इसमें, आप देखिए ये आगे जो आप सरफेस देख रहे हैं दोनों के बीच में मीडियल कॉन्डाइल यानी एंटीरियर से आप देखेंगे तो ये मीडियल कॉन्डाइल और लेटरल कॉन्डाइल को एक सरफेस है जो बांट रहा है जिसको हम कहते हैं पटेला सरफेस, जो कि पटेला का जो पोस्टीरियर सरफेस है वो यहाँ आके अटैच होता है और पटेलो फेमोरल ज्वाइंट बनाता है। अब आप नीचे की तरफ अगर आप इसके देखेंगे तो इन दोनों के बीच में एक गड्ढा नुमा यानी स्पेस है जिसको हम कहते हैं इंटरकॉन्डाइलर फोसा, दोनों कॉन्डाइल के बीच में ये है इंटरकॉन्डाइलर फोसा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके साइड आइडेंटिफिकेशन के बारे में, तो साइड आइडेंटिफिकेशन के लिए दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, जो हेड है वो मीडियल साइड होना चाहिए और ये जो आपका इंटरकॉन्डाइलर फोसा है ये पीछे के साइड होना चाहिए। तो अगर हम इस बोन की बात करें तो ये देखिए ये मीडियल साइड है और ये पीछे की तरफ है, तो इससे ये पता चलता है कि ये हमारी राइट साइड की बोन है। इसी तरह से हम एक और बोन, इसकी जो दूसरी बोन है उसमें भी समझ लेते हैं, ये देखिए अब हम बात करें तो इसमें देखिए हेड जो है वो मीडियल साइड है और ये जो है ये आपका पोस्टीरियर साइड है, तो ये हमारी लेफ्ट साइड की बोन है। ओके, थैंक यू एवरीवन, होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस वीडियो, और ऐसे ही और एजुकेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल rgcsk.edu को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।